तो ये जो सामने वाला एरिया है ये आपके पास ऑलमोस्ट ये एरिया एक जैसा बचा था, तो यहाँ पे हमने पार्किंग लगानी है, कोई और कोई फैसिलिटीज देनी है, यहाँ पे एक बहुत अच्छा जो शिव धाम की बात हम करने जा रहे थे, एक विधायक होने के नाते जो मेरा प्रयास है उन्हें करता रहूँगा, और इसीलिए जो हमारा पंचवक्तर भी है, पंचवक्तर को जोड़ने का भी मैंने अपनी डोली के साथ गया, जो हमारा पुरानी मंडी के एयरपोर्ट बन रहा है उसके साथ ही मैं पंचवक्तर की सड़क को भी जो है उन्हें कहा कि हमें टूरिज्म का बताइए, तो मैंने उनको कहा कि आप इसमें कोशिश करें कि पंचवक्तर मंदिर को भी हम एक अच्छा रूप दें, तो उसके लिए मैंने प्रयास शुरू कर दिया, उस रोड बनेगी और उसको सौंदर्यकरण बनेगा, उसके लिए भी मैंने प्रयास शुरू कर दिया। तो कुछ ऐसी बातें थी जो मैं आपसे शेयर की है, मुझे लगता है कि जो मेरा एक विधायक के रूप में काम है और नगर परिषद के अध्यक्ष हमारे साथ खड़े हैं भूपेंद्र भट्ट जी, मैं इनको भी क्योंकि शहर इनका है, शहर के असली मालिक तो ये है, मैं तो विधायक हूँ यहाँ का, परंतु इनके माध्यम से जो भी सुझाव मेरे ध्यान में आते रहेंगे और जो भी इनके काम करने का बिल्कुल देख जो है इस मंडी को एक सुंदर शहर बनाने का प्रयास करते हैं। सर मैंने पहले भी आपको कहा था मैं कि पटल के अंदर में कोई ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की मेरे कोई नहीं था, और जब यहाँ ऑडिटोरियम बनने की बात आई थी तब भी यहाँ पर मैंने इसका विरोध किया था कि ऑडिटोरियम के लिए बहुत बड़ी जगह हमें इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसलिए ऑडिटोरियम हम कांगड़ी धाम ले गए, और उसके बाद जो है मैं लगातार स्पोर्ट्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए जो है प्रयास करता रहा। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होने की वजह से मेरा मानना था कि मंडी हेडक्वार्टर होने की वजह से स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए मैं कुछ कुछ काम करता रहूं, पर तो 10 लाख रुपए मैंने उस वक्त जो है सांसद के रूप में दिया था, छोटा सा प्रयास था, और मंडी में स्विमिंग पूल बनाना भी एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर के नाते मैंने काम शुरू किया, और कई वर्ष बीतने के बाद लगातार मुझे जगह ढूंढने के लिए मैं प्रयास करता रहा, और पड्डल ग्राउंड को एक अच्छा रूप देने के लिए सबसे बड़ा प्रयास था कि यहाँ से जब VIP मूवमेंट होती थी तो पड्डल में सारी गाड़ियाँ अंदर एंटर करती थी, और उसके लिए मैंने अलग से हेलीपैड बनाने का प्रयास किया, जो हेलीपैड आज मंडी बना है, और साथ में इसी को चारों तरफ फेंसिंग करना, लगभग 1.5 करोड़ रुपए मैंने उस वक्त जो है इसको यूज़ किया कि इसमें गाड़ियाँ ना चले अंदर, और ग्रीनरी हमारे इस पड्डल में मेंटेन रहे, और उसके बाद जो है मैंने रघुनाथ पद्धर को कोशिश की, बाहर भी मैंने कोशिश की, प्राइवेट ज़मीनों को हमने तलाशने की कोशिश की, और रत्ती पुल के पास भी एक प्रयास था पिछली सरकार का भी, उन्होंने भी वहाँ बनाने का प्रयास किया, परंतु वहाँ लगभग 28 ऑब्जेक्शन होने के वजह से जब ये लगा मुझे कि वहाँ मैं इस काम को नहीं कर पाऊँगा, तो रघुनाथ पद्धर में भी अभी मैं आपके ध्यान भी मीडिया को भी बताना चाहता हूँ कि मुख्यमंत्री से मिला मैं, और उनको पूरे कागज बनाकर मैं आभारी हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का, डीसी मंडी का भी, जिन्होंने उसको पूरी रूप से कि कितना खसरा नंबर IPS जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट को चाहिए, और कितना वहाँ पर बेकार पड़ा हुआ है, और कितनी ज़मीन जो है प्राइवेट हमें एक्वायर करनी पड़ेगी, और कितनी फॉरेस्ट लैंड है जिसको हम एक्वायर करके जो है वहाँ लगभग 70 बीघे ज़मीन जो है हमें उपलब्ध हो रही है, और मैं मुख्यमंत्री से मिलकर मुख्यमंत्री ने उसी वक्त मेरी चिट्ठी के ऊपर लिख दिया कि कैबिनेट में इसको लाया जाए। कैबिनेट का मतलब इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि हम किसी विभाग से बात करते हैं, कोई विभाग अपनी जगह छोड़ने को तैयार नहीं होता, तो कैबिनेट सुप्रीम होती है, तो कैबिनेट के माध्यम से जब इस जगह का निर्णय होगा कि हम एक्वायर करेंगे या ट्रांसफ़र करेंगे, वो लगता है कि उसमें समय यदि कैबिनेट से अप्रूवल जब हो जाएगी तो मुझे लगता नहीं कि ज़्यादा समय लगेगा मुझे ट्रांसफर करने का, लैंड एक्वायर करने का शुरू लग सकता है, परंतु इन इसी के बीच में क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न इस बात का कि खेलो इंडिया जो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो जब कई बार लोगों ने कहा कि 100 करोड़ रुपये आया था वो अनिल शर्मा के चला गया, अरे मैं पूछना चाहता हूँ कि अभी जब तक हम ये प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करते, और मैं PWD के माध्यम से जब डिज़ाइन बना तो मुझे लगा
कि हो सकता है कि पीडब्ल्यूडी को इतना नॉलेज ना हो ड्राइंग बनाने के लिए, तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो साई के जो हमारे आर्किटेक्ट होते हैं, जो एडवाइज़र होते हैं चंडीगढ़ से, इनसे मैंने बात की और आज वो इसी यहाँ पर आए और उन्होंने इस बात को देखते हुए कि यहाँ पर कैसे इसको बनाया जा सकता है, क्योंकि इन्होंने हिमाचल में बहुत काम किया है, तो मुझे लगता है कि पीडब्ल्यूडी के चक्कर में बेटर है कि मैं एक एक्सपर्ट को हायर करके हम इसकी सेवाएं लें। और आज यहाँ पर वो आए और पंडल में 60x40 60x40 का हम जो है, पहले मैं दो हॉल बनाने की मेरी इच्छा थी कि दो हॉल में यहाँ बनाऊँगा, परंतु मैंने देखा कि यहाँ एक हॉल से भी मेरा गुजारा हो सकता है, और इसलिए 60x40 के जो हम हॉल बनाने जा रहे हैं उसमें कुछ सिटिंग एरिया और से अलग करेंगे, थोड़ा बढ़ सकता उसे, और उसके वजह से हमारा जो अभी मैं बात कर रहा था कि 6 बैडमिंटन कोर्ट बन सकते हैं, यदि हमारा नेचुरली होता है तो 6 बैडमिंटन कोर्ट हमारे इसके बन सकते हैं, बास्केटबॉल हो सकता है, वॉलीबॉल हो सकता है, और दूसरी जितने भी इंडोर गेम हैं। अब आज आप देखते हैं यहाँ पर स्कूलों के बच्चों की गेम चल रही है और यहाँ पर जो गेमें हो रही है वो आउटडोर में है, बारिश लगती तो बंद हो जाएगी, परंतु जो यहाँ मैं बनाने जा रहा हूँ ये इंडोर होगा और इंडोर की वजह से जो है सभी खेलों में कोई व्यवधान नहीं होगा। और मैंने नीचे जो है इसमें पार्किंग व्यवस्था भी हम कर रहे हैं और पार्किंग व्यवस्था के साथ साथ मैं मंत्री जो हमारा यहाँ देवता कमेटी उनसे भी मैंने बात की है कि आपके लिए जब शिवरात्रि का पर्व होगा हम उस हॉल को खाली करते हैं, उसमें देवताओं को देखे कागज़। तो कब्जा तो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट का था परंतु ज़मीन सरकार के थी और इसके लिए मैंने फिर प्रयास शुरू कर दिए और मेरे प्रयासों की वजह से 4-5 दिन पहले ही हमने इस लैंड को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया है, स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया। जितना ये ग्राउंड ऊपर का है ये सारा का सारा हमने अब स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के नाम पर अब ट्रांसफ़र किया। इससे एक बहुत बड़ी बात ये होगी कि जो कब्जा जोर था पर उनके नाम मालिक नहीं थे, अब मालिक होने की वजह से ही हमने अब इसमें काम शुरू किया है। अब मेरा सबसे बड़ी बात है इसका एस्टिमेशन कॉस्ट जो है वो जो हमने आउटसोर्स कर रखे हैं उन्होंने इसका एस्टिमेशन बनाना है और इसके बाद हमने जो है हिमाचल गवर्नमेंट की तरफ से केंद्र को स्कीम भेजेंगे और तभी पैसे का प्रावधान इसमें होगा। तो इसलिए मंडी शहर के अंदर पहले मैंने यहाँ से शुरुआत की और लगता है मुझे कि जिस प्रयास के मैंने कहा कि रघुनाथ पत्थर के अंदर जो सड़क का मैंने कहा था, पीछे भी आपसे कहा था कि 22 करोड़ की मेरी जो है नवाड में गई है सड़क और वो शहर से जुड़ जाएगी और रघुनाथ पत्थर से जुड़ जाएगी और इसलिए रघुनाथ पत्थर में हमारा जो बहुत बड़ा, क्योंकि उसमें 400 मीटर ट्रैक होगा, एस्ट्रोटर्फ का हॉकी का हमारी फील्ड होगी, स्विमिंग पूल होगे, इंडोर हॉल होगा और ये सारी फैसिलिटी जो है शहर के नज़दीक हम उसको वहाँ करने जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कैबिनेट के अप्रूवल के बाद जो लैंड एक्विजिशन का काम है लगभग मैंने उसका एस्टिमेशन लगाया है तो लगभग 1.5 करोड़ रुपए से लागत से ही हम और नेगोशिएशन कमेटी बनाई जाएगी जो इसमें नेगोशिएट करके जो ओनर है, कब्जा तो हेल्थ डिपार्टमेंट का 60 सालों से है परंतु ओनर से हम नेगोशिएशन करके उनसे जो है जो कीमत है वो नेगोशिएट करके जो कीमत बनेगी उसके ऊपर हम इसमें बात करेंगे। तो मेरा जो आज आपको आप लोगों से चर्चा करने का और बात करने का है कि लोगों को इस तरह का कि मैं सारा ग्राउंड कवर कर दिया, सारे ग्राउंड पे इंडोर हॉल बना दिया, मेरा सभी से अनुरोध रहेगा इस तरह के प्रचार करने की जगह हम इस बात को ध्यान रखें क्योंकि हमारी उम्र अब निकलती जा रही है, नौजवानों का समय है और नौजवानों के लिए जब तक हम इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं देंगे तब तक हम उनसे उम्मीद नहीं कर सकते। पदक तो हम मानते हैं कि पदक नहीं मिल रहे, पदक कहाँ से मिलेंगे जब उनके पास खेलने की सुविधा ना हो। तो इसलिए यहाँ भी शुरू किया और आज आपको मैंने कहा था कि चलो मैं जो हमारा एक बहुत बड़ा ग्राउंड मैं चलो मैं बनाने जा रहा हूँ जिसका काम शुरू कर दिया है, उसकी मैंने क्लियरेंस जो कई सालों के बाद जब मैंने स्कूल के नाम पर ट्रांसफ़र किया, स्कूल के नाम पर ट्रांसफ़र हो सकता था, ये आज मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज मैं कोटली के नज़दीक और जो उन बीच में बहुत बड़ा ग्राउंड जो है इसका काम मैंने शुरू कर दिया है जिसको आगे एक तरह से गाँव के जो हमारे युवा हैं उनके लिए मैं स्पोर्ट्स का ये प्रावधान कर रहा हूँ। आपके माध्यम से एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि जब हमारा विधानसभा सेशन था उसमें मैंने प्रयास किए और उस प्रयास के अंदर मैं जो एक हमारा स्कूल जो राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल का था, एक कॉन्सेप्ट था हमारा जो मुख्यमंत्री जी ने लाया है कि हम एक अच्छे स्कूल लगभग 50 बीघे से जमीन के अंदर हम बनाए, उसके लिए मैंने भी प्रयास किया और मुझे लगता है कि मैं शहर के अंदर जगह ढूंढता रहा, शहर के अंदर जो है कांगनी धार के अंदर मैंने प्रयास किया
परंतु वहाँ मुझे 10 बीघा से ऊपर ज़मीन नहीं मिली। और उसके बाद मैंने जो है कोटली के अंदर जो है अभी बात कर ली है, वहाँ 18 बीघे हमारी पंचायत की जगह है, बाकी 31 बीघे हम फॉरेस्ट लैंड को ट्रांसफर करने का काम शुरू कर दिया है। तो लगभग कोटली के अंदर राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल जो है अब वहाँ पर परिभूत हो सकता है 50 बीघे जमीन के वजह से, और साथ में उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए जो है जोनल हॉस्पिटल को मैंने जो शामिल किया था मंडी चुनाव क्षेत्र के लिए, और जिसका मैंने विरोध भी किया, और मुख्यमंत्री से मिलकर मैंने इस बात को कहा कि मुझे कोटली चाहिए, और उन्होंने एश्योर भी कर दिया है, हेल्थ मिनिस्टर ने भी एश्योर कर दिया है कि जो हमारा उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधा होगी उसको कोटली में किया जाएगा। तो ये बहुत सी कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं प्रयास कर रहा हूँ। लोग कहते हैं कि अनिल शर्मा बहुत बड़ी प्लानिंग तो करता है, धरातल में नहीं चढ़ती है, कई तरह की बातें करते रहते हैं, परंतु जब हम कोई चीज़ को अमलीजामा तभी बना सकते हैं जब हम उसके प्रयास करते हैं। प्रयास होगा, फलीभूत होता है कि नहीं होता, ये तो समय की गर्भ पर छिपा हुआ है, परंतु एक विधायक होने के नाते अभी मैंने बहुत सी बातें मैं इसलिए करना चाहता हूँ कि अभी पीछे मैं टूरिज्म मिनिस्टर जो हमारे चेयरमैन उनसे मिला रघुवीर वाली से, और उनको मैंने मंडी के जो है सौंदर्यीकरण करने के बारे में बात की।